नमस्ते श्री अरविंद श्रीमा की दिव्य लीला का प्रसंग उसका आज ये अंतिम सत्र है एक लंबे समय से हम लोग श्री अरविंद सीमा की दिव्य जीवन लीला के बारे में एक प्रस्तुति कर रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं और उसके आनंद में डूब रहे हैं जितनी बार भी इसको हम पढ़ें सुने ये अपने आप में एक योग है सीमा शेयरविंद के जीवन के बारे में सुनना शेयरविंद अपने एक थॉट्स एंड एफोरिज्म विचार एवं सूत्रावली में लिखते हैं कि संसार में चार मुख्य घटनाएं हुई हैं इतनी सारी घटनाएं वैसे हुई हैं संसार में लेकिन शेयरविंद बताते हैं कि चार मुख्य घटनाएं हुई हैं और एक उनमें से है सीज ऑफ ट्रॉय जो हम जानते हैं ट्रोजन वार जिसमें uh, एक और एचलिस और उसके साथ में जो सारी आर्मी है वो लड़ती है ओडिसियस इत्यादि की दूसरी ओर प्रायम जो वहाँ का महाराज है और उसके साथ जो लोग हैं दूसरी घटना वो बताते हैं क्रूसीफिक्शन ऑफ क्राइस्ट क्राइस्ट का क्रॉस पे चढ़ना तीसरी बताते हैं श्री कृष्ण का वृंदावन से एग्जाइल अचानक मध्यरात्रि को गायब हो जाना और अदृश्य हो जाना और चौथा जो कुरुक्षेत्र में भगवद्गीता का संदेश और सबके वो महत्व बताते हैं कि इस इस घटनाओं ने ये ये छाप छोड़ी मनुष्य के ऊपर पृथ्वी के ऊपर इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी घटनाओं का महत्व तो नहीं है लेकिन ये प्रमुख घटनाएं जिन्होंने पूरी धारा को मोड़ दिया संसार की तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शीयरविंद सीमा के दिव्य जीवन लीला में चार प्रमुख केंद्र हैं चार प्रमुख घटनाएं हैं पहला तो खैर वो घटना हम नहीं कह सकते वो तो कृपा है श्री माँ शेरविंद का धरती पर आगमन यही अपने आप में कृपा है यदि वे कुछ भी नहीं करते तो भी दिव्यता का स्पर्श इस जड़ तत्व को पढ़ना यानी उन्होंने अगर किसी को पता नहीं होता कि वो आए चले गए अगर हम उनके पूर्व जन्मों को देखें तो लोगों को पता भी नहीं है कि उन्होंने आकर के इस प्रकार से विभूति के रूप में कर्म किया है तो यदि किसी को ये भी नहीं पता होता कि वे दिव्य हैं श्री कृष्ण के समय किसी को पता नहीं था चार पांच लोग गिनती के जानते थे और ऑफ कोर्स गोप गोपियों की बात अलग है वो तो उनके साथ आए थे वरना चार पांच लोग गिने चुने लोग थे जो ये महसूस करते थे कि श्री कृष्ण वास्तव में दिव्यता को धारण किए हुए हैं मुझे नहीं लगता कि अवतार शब्द से वो परिचित थे या वे जानते थे कि अवतार हैं भगवान ने धरती पर चरण धरा है उसी प्रकार से श्री अरविंद सीमा यदि आ करके के किसी को पता नहीं होता सीमा एक जगह कहती हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन क्या मानता है मुझे अवतार समझता है नहीं समझता है भगवान मानता है नहीं मानता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है यदि संसार में एक भी व्यक्ति रिकोगनाइज़ नहीं करता है तो भी भगवान आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं वो इस पर निर्भर ही नहीं करते हैं कि भाई लोग उनको माने जाने ये आवश्यक नहीं है तो ये तो घटना ऐसी है कि उसको उसको हम किसी श्रेणी में नहीं डाल सकते किंतु पहली घटना जो होती है जो उनके जीवन की अद्भुत है वो है दोनों का मिलन 29 मार्च 1914 और फिर 24 अप्रैल 1920 क्योंकि यहाँ से एक नई सृष्टि नए, नए युग का प्रारंभ होता है इस घटना के मिलन इन दोनों के मिलन के साथ एक नई संभावना प्रस्फुटित होती है श्री अरविंद स्वयं बताते हैं कि इसका जो इतना बड़ा महत्व है कि श्री माँ के आने के पूर्व वे तो ये सब एक पायोनियर की तरह रूपांतरण हो सकता था लेकिन धरतीवासी जो मनुष्य हैं उनके लिए उनको कैसे सहायता की जाए उनको कैसे इस ओर अग्रसर किया जाए ये वो संभव नहीं था बिना सीमा के आए हुए और सीमा तभी ये कार्य कर सकती थी जब उनके पीछे श्री अरविंद खड़े हों इसीलिए वो कहती हैं कि विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज अनमेनिफेस्ट तो दोनों का संगम दोनों का साथ में आना दोनों का मिलन यह एक ऐसी अभूतपूर्व घटना है जो इस नई सृष्टि की संभावना को जन्म देता है इसी नई सृष्टि की कड़ी में जो दूसरी घटना है वो दो घटनाएं हैं लेकिन हम एक साथ ले सकते हैं एक है जो श्री अरविंद के अंदर श्री कृष्ण की दिव्य व्यक्तित्व का अवतरण जो 24 नवंबर 1926 को होती है और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए उन्तीस फरवरी 1956 को अति को अतिमानसिक चेतना का प्रकटन ये दोनों एक ही सत्य के दो बिंदु हैं यहाँ से जो प्रारंभ होता है 24 नवंबर 1926 को उसकी एक प्रकार से परिसमाप्ति होती है 29 फरवरी 1956 को तो ये अगेन ये ऐसी घटना है अगेन नई सृष्टि को ये जन्म देगी और नई सृष्टि के लिए ये तक ये बहुत आवश्यकता हम ये कह सकते हैं कि श्रीमा शेरविंद का आगमन एक दूसरे से मिलन ये नए जगत के कंसेप्शन को जन्म देता है तो फिर ये दो दोनों घटनाएं हैं श्री कृष्ण का अवतरण और अतिमानसिक चेतना का प्रकटन ये नए जगत के सिर्फ कंसेप्शन को नहीं धारण करता है बल्कि एक्चुअली वास्तविक रूप में उसको जन्म देता है एक कंसेप्शन है और एक जन्म है एक उसको धारण करना मानव गर्भ के अंदर और दूसरा है उसको संसार में उसका जन्म होना तो ये दूसरी घटना है तीसरी घटना है जब श्री अरविंद मनुष्य के मध्य में सावित्री रख करके महाप्रयाण करते हैं श्री अरविंद का महाप्रयाण वास्तव में मनुष्य को तैयार करता है अति मानसिक जगत के प्रकटन के लिए अति मानसिक चेतना के आने के लिए सीमा का हम लोगों ने पढ़ा कि कितना अधिक वो शी अरविंद ने पीछे जाकर कितनी सहायता की है वो कहती वरना ये असंभव था जैसे सीमा के आगमन से शेयरविंद कहते हैं कि कितनी सहायता हुई है योग में वे ना आती तो असंभव होता ये योग सीमा कहती हैं यदि वे ना जाते तो ये योग असंभव होता अफकोर्स शेरविंद तो ये उन्होंने तो सीमा को स्वयं कहा था ये काम आपको सौंप रहा हूं क्योंकि नहीं तो आ, कोई और नहीं कर सकता है मेरा शरीर भी तैयार नहीं है इस योग की परिसमाप्ति तक जाने के लिए तो तीसरी घटना लेकिन शेयरविंद पीछे जाते हैं लेकिन मनुष्य के हाथ में जैसे श्री कृष्ण गीता सौंप कर जाते हैं उसी प्रकार से शेयरविंद मनुष्य के हाथ में सावित्री सौंप कर जाते हैं वैसे उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं हम सब परिचित हैं सीमा की हैं लेकिन सावित्री का एक विशेष स्थान है शेयरविंद ने स्वयं कहा इट इज़ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क सीमा ने इसकी पुष्टि की है कि सावित्री अपने आप में सक्षम है हमको रूपांतरण की उच्चतम ले, लेवल्स तक ले जाने के लिए पूरे रूपांतरण के योग के लिए बिना किसी बाहरी गाइड के तो सावित्री अपने आप में सक्षम है इस ये नए युग का मंत्र है इट इज़ द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और यदि कोई केवल सावित्री का नियम से पठन पाठन एक बाहर से नहीं किंतु हृदय से जुड़ करके के यदि वो किसी भी मंत्र के लिए हृदय के अंदर चाबी होती है यदि हम उसको रोज एक स्वाध्याय के रूप में एक श्री अरविंद की वाणी के रूप में उनकी वांग में देह के रूप में या वो ऊर्जा स्रोत के रूप में या मंत्र के रूप में जैसे भी हम चाहें हम सावित्री का पठन करें सावित्री का स्वाध्याय करें तो यही हमको इस योग में आगे तक ले जाएगा और चौथी घटना जो होती है जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की वो है श्री माँ का भौतिक जगत के आवरण के पीछे चले जाना अब ये श्री अरविंद के महाप्रयाण से भिन्न है और जैसी कल इसकी बात हुई है कि इसको कुछ लोग कह सकते हैं महासमाधि दिवस इसी नाम से प्रचलित है लेकिन इसको कुछ लोग कह सकते हैं रूपांतरण दिवस कि ये वो वो दिन है जिस दिन श्रीमा का पार्थिव देह रूपांतरित होता है और एक जो पाठ रूपांतरण स्वीकार नहीं करता है यानी देह का जड़ जगत का पृथ्वी का जो भी हम कहें वो भाग को यहाँ छोड़कर बाकी सारी सेल्स को कोशिकाओं को रूपांतरण की प्रोसेस से जोड़कर श्रीमा अपने नवीन शरीर में रूपांतरित शरीर में प्रवेश करती हैं ये वो रूपांतरण है तो अब यहाँ पे पूरी कड़ी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि उनका रूपांतरण वास्तव में संसार के लिए अब आगे बढ़ने के लिए सहायक है कैसे हम बढ़ें सावित्री है उसके लिए श्री माँ अरविंद का लिविंग एग्जाम्पल है ना केवल वो एश्योरेंस और प्रॉमिस है बल्कि वो लिविंग एग्जाम्पल है कि हम सब किस तरह से हमें इस मार्ग में बढ़ना चाहिए अब इसके साथ ही बहुत कुछ है जो यहाँ पर उन्होंने गिफ्ट के रूप में शी अरविंद ने दिया है और सीमा ने दिया है लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ मुख्य बिंदु ले लें शी अरविंद सीमा ने जो संसार में प्रकट किया है उसका पहला जो मुख्य बिंदु है वो ये है जो शाश्वत सत्य है जो उपनिषदों का सत्य है वेदों का सत्य है कि भग सनातन धर्म का सत्य है कि भगवान सर्वव्यापी हैं भगवान सर्वत्र हैं सबके अंदर है सब कुछ भगवान के अंदर है और वास्तव में ये भगवान ही हैं जो अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं अब सृष्टि के रूप में यदि भगवान प्रकट कर रहे हैं तो ये भविष्य के और पास्ट का क्या आपस में संबंध है तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट है द डिवाइन इन द पास्ट वी हैव टू मूव टूवर्ड डिवाइन इन द फ्यूचर यानी वो एक पास्ट रूप जैसे एक बच्चा अगर बड़ा होना है उसको तो उसको अपना बालपन पीछे छोड़ना होता है तो बच्चा नहीं बदलता है यानी yani, जो मूल रूप से जो व्यक्ति है वो ये नहीं कहता है कोई व्यक्ति जब वो तीस का होता है कि ये मैं नहीं हूँ वो कहता है ये मैं ही हूँ लेकिन ये बचपना था अब मैं बड़ा हो गया हूँ और जब बूढ़ा होता है तो होपफुली कह सकता है कि अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो पास्ट था वो भी डिवाइन की अभिव्यक्ति है लेकिन वो एक देशकाल की सीमा में जैसे बच्चे की एक देशकाल की सीमा में भगवान जब छोटे हैं मनुष्य भगवान के साथ उस तरह का संबंध जोड़ता है भगवान से डरता है भगवान से भयभीत होता है या केवल प्रकृति को भगवान समझ लेता है इत्यादि इत्यादि जैसे जैसे वो बड़ा होता है मनुष्य की चेतना का विकास होता है वो जो बाहर है जो प्रकृति के अंदर है जो मंदिर में है जो मस्जिद में है जो गिरजाघर में इत्यादि में है वो कहता है कि वो मेरे अंदर है वो स्रोत मेरे अंदर है और अंदर वो ढूंढना प्रारंभ करता है तो जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि पास्ट का भगवान भविष्य के भगवान के रूप में या भविष्य में अभिव्यक्ति के रूप में भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता लेकिन अभिव्यक्ति उनकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में चलती है तो सृष्टि के अंदर जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है अब हम लोग देखें अगर पुराने समय में खासकर ग्रीक रोमन ये जो सभ्यताएँ समाप्त हो गई इजिप्ट तो उसमें भगवान के कंसेप्शन पशु के रूप में थे कई सारे ऐसे भगवान हैं जो पशु के रूप में हैं इवन जो सन गॉड है होरस जिनकी आंखें, वो एक बाज के रूप में है लेकिन भारतवर्ष में हम देखते हैं कि वो आ, जो पशु रूपी भगवान हैं ही इज़ ओवर रिडन बाई माने भगवान का एक मानवीय स्वरूप है और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाहर में उनका प्रकटन है विशेष स्थान है जहाँ वो जाता है और भगवान से संबंध स्थापित करता है वो भी आवश्यक है उसकी बात हम लोग दो मिनट बात करेंगे लेकिन पहली जो चीज़ वो बताते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं सर्वव्यापी हैं तुमको जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए लेकिन यहाँ हमको ये याद रखना है स्मरण रखना है कि अगर हम समग्रवाणी लें कि लेकिन संसार के साथ हम जैसे पुराना संबंध जोड़ा था वैसे ही अगर हम संबंध जोड़े हुए भगवान को खोजेंगे तो एक मार्ग है गीता का मार्ग जिसमें हमको डिजायरलेस एक्शन समता निष्काम कर्म तो धीरे धीरे हम संसार से संबंध तो हमारा पुराना है लेकिन उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है लेकिन अगर शेयरविंद के योग में हम देखते हैं तो उसमें एक नई चीज़ आती है वो रूपांतरण यानी ना केवल हमको एक आंतरिक अवस्था को सुंदर रखना है दिव्यता की ओर ले जाना है लेकिन हमको अपना बाहर के संबंध को भी रिओरिएट करना है यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ तत्व मनुष्य देवता इन सबके साथ अब हमारा एक नया संबंध जुड़ना है इतना काफ़ी नहीं कि हम अंदर में निष्काम भाव से सारे कर्म कर रहे हैं लेकिन वही कर्म कर रहे हैं जो पुराने हैबिट से वो चलते जा रहे हैं तो ये एक नई चीज़ है रूपांतरण योग की कि हमको आ, इस प्रकार से नई चीज़ों को प्रकट करने में अभिव्यक्त करने में सहायक बनना है और यदि उसमें सहायक बनना है तो इतना काफ़ी नहीं है कि हम भगवान को अंदर पालें तो उसके साथ में दूसरी चीज़ जो जुड़ जाती है वो है प्रकृति के ऊपर काम यानी वी हैव टू वर्क एट बोथ द एंड्स जिसको माँ कहती हैं एक हायर एंड जो डिवाइन को पाना ये तो पहली आवश्यकता है लेकिन साथ ही प्रकृति क्योंकि ये समग्र चेतना है समग्र चीजें इसमें देह भी इन्वॉल्व है तो ये केवल अंदर जाके हमने भगवान को पा लिया इतना काफी नहीं है हमको देह पर भी कार्य करना है हमको मन प्राण शरीर इसी संबंध में एक स्मरण आता है किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि कहा जाता है कि गुरु को समर्पण समर्पण का भी समर्पण है यानी सर्वोच्च सर समर्पण है तो ऐसा क्यों तो शेरविंद बताते हैं कि जब हम अंदर भगवान को समर्पण करते हैं तो हम एक, एक आंतरिक चेतना की भूमि पर करते हैं लेकिन हमारी बाहरी चेतना उसमें भाग नहीं लेती यानी जब हम भगवान को अंदर खोज रहे हैं तो बाहरी चेतना क्या है वो एक निस्तब्ध अवस्था में बैठी हुई है आसन की अवस्था में या जैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करती है वो केवल कोलेबोरेट कर रही है एट द मोस्ट कभी कभी व्यवधान भी कर सकती है लेकिन यहां पर यह समग्र योग है तो बाहरी चेतना को भी पार्टिसिपेट करना है ये कुछ समय पूर्व कोई बात भी हो रही थी कि लोगों के मन में कई बार आता है कि समाधि पे जब हम लोग जाते हैं प्रणाम करते हैं पुष्प अंजलि देते हैं तो क्या ये रिलीजन है ये रिलीजन नहीं है शेयरविंद ने इसको बड़े सुंदर ढंग से सिंथिस ऑफ योग में एसेंट ऑफ सेक्रीफाइज में बड़े सुंदर भाव से बताया है कि इवन जब हम भगवान को अंदर प्राप्त कर लेते हैं तो भी हमारी बाहरी चेतना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है उसको हम अछूता नहीं छोड़ सकते तो पार्टिसिपेट कर कैसे करती है अपने अंदर की भक्ति और श्रद्धा को वो बाहर भी प्रकट करती है जैसे हम अंदर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं वैसे ही हम बाहर और ये हम माँ की जीवन लीला में देखते हैं कैसे वो फूलों के साथ खेलती थी कैसे वो बाहरी चीज़ों के माध्यम से भी मनुष्य को जोड़ती हैं भगवान के साथ यानी सर्वभावेन सर्वरूपेण हर चीज अंदर और बाहर दोनों का एक समागम है समग्रता है वरना भगवान को अंदर पाना है तो ये तो बहुत पुराना योग है कोई नई चीज़ नहीं है इसमें फिर रूपांतरण की बात नहीं है ये तो उपनिषदों का योग है कि भगवान अंदर है इसमें कोई नई चीज़ नहीं है लेकिन इसमें जो नई चीज़ है वो ये है कि वो भगवान जो हमारे अंदर हैं वो बाहर की चेतना को हमारी समग्र प्रकृति को रूपांतरित कर सकते हैं और इसलिए पूरे नेचर को पार्टिसिपेट करना है ये रूपांतरण योग की एक मुख्य बिंदु है तीसरी चीज़ जो वो बताते हैं कि मनुष्य एक मध्य मध्यवर्ती सत्ता है मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग अब ये एक अद्भुत रिविलेशन है ये तो किसी ने बताया नहीं मनुष्य सर्वोपरि है मनुष्य सर्वोत्तम है विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी कहता है जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा चौरासी लाख योन्हीं के बाद मनुष्य आता है तो क्या मनुष्य के बाद भगवान की क्रिएटिविटी समाप्त हो गई ये प्रश्न उठता है प्रश्न चिन्ह लग जाता है भगवान की क्रिएटिविटी के ऊपर क्योंकि यदि मनुष्य वो अंतिम बिंदु है जो भगवान ने अपनी पूरी सर्वशक्तिमता सर्वज्ञता से प्रकट किया है तो डाउट होता है कि वास्तव में ये अच्छा है मनुष्य अच्छा है हम लोग मनुष्य हैं तो हमको मनुष्य अच्छा लगता है लेकिन नेचुरली मनुष्य कैन नॉट बी दी अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ द डिवाइन कितना बड़ा गैप है यानी जब कोई कलाकार कोई चीज प्रकट करता है कैनवास पे तो वास्तव में जो उसके अंदर है कैनवास के द्वारा वो एनरिच होना चाहिए कलाकार को ये भाव होना चाहिए आह ये मेरे अंदर था वो मैंने अभिव्यक्त किया उसको ये डिलाइट होनी चाहिए उसको देख करके लेकिन मनुष्य को देख करके आम तौर पर जो मनुष्य है रेयर एक्सेप्शंस की बात है पार्ट ये बहुत डाउटफुल है कि भगवान को डिलाइट होता होगा इस संबंध में शेयरविंद की एक माता जी ने भी बहुत कुछ कहा है कि मनुष्य के साथ इतना कठिन है पशु पक्षियों के साथ कार्य करना ज़्यादा सरल है खुल जाते हैं लेकिन मनुष्य और खासकर जो आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ एफर्ट सेल्फ एफर्ट ये सब Uh, मैं तपस्या कर रहा हूँ मैं साधना कर रहा हूँ माँ कहती है उनके साथ बहुत कठिन होता है क्योंकि वो मैं मैं में पुलछे रहते हैं और पशु पक्षी सरल भाव से खुल जाते हैं और इवन प्लांट लाइफ और शेयरबिंद ने तो बड़े सुंदर ढंग से जब किसी ने उनसे पूछा इवनिंग टॉक्स में कहा कि भगवान सब के अंदर है तो शेरबिंद कहते हैं हाँ फिर वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से ऐड करते हैं कभी कभी मुझे भी फेथ के साथ ये बात को स्वीकार करना होता है कि भगवान सब में है <laughs> चाल चरित्र देखें तो ये प्रतीत नहीं होता है तो कई बार लोग इस चीज़ को समझाते कैसे कि भगवान ने तो मनुष्य परफेक्ट बनाया लेकिन मनुष्य की एक कर्म है जिसके कारण वो ऐसा बन गया तो कर्म किसने बनाए चेतना किसने बनाई प्रकृति किसने बनाई ये सारा मेटाफिजिक्स है इसके पीछे जिसके उत्तर नहीं है श्री अरविंद उसका उत्तर देते हैं कि नहीं मनुष्य मध्यवर्ती अवस्था है अब इसको अगर हम देखें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ये तो आधि मूर्ति है पूरी प्रतिमा बनी ही नहीं है हम जिसको भंग प्रतिमा कह रहे हैं अपूर्ण प्रतिमा कह रहे भंग प्रतिमा कह रहे हैं वास्तव में अपूर्ण है वो अभी पूर्ण हुई नहीं है तो अब पूर्णता की खोज करनी है ना कि संसार से भागने की मनुष्य इस भंग जीवन को देख करके परेशान हो जाता है और वो मुक्ति की तलाश में निकल जाता है लेकिन हमको ट्रस्ट करना है जो मेकर है कि जिसने यहाँ तक बनाया है वो आगे इस मूर्ति को पूर्ण करेगा तो अपने आप को सौंप देना है उनके हाथों में और वो कौन है वो इस योग की जो मेन कड़ी है वो है श्री मां यह जो स्मरण रखना है वो ये कि कई लोग ये भी डिफ्रेंशिएट वो जो माँ हैं बाहर वो नहीं अंदर में माँ हैं यस yes, माँ अंदर हैं माँ बाहर भी हैं ये दोनों में भेद नहीं करना चाहिए शेरविंद ने वर्ड यूज़ किया है ए हॉस्टाइल आसुरिक माया जो ये भेद कराती है कि माँ केवल अंदर हैं बिल्कुल सही है माँ अंदर है माँ बाहर भी हैं और ये वही माँ हैं जिन्होंने अवतार लिया है वो इंडिविजुअल मदर जिन्होंने अपने यूनिवर्सल और ट्रांसजेंडेंट रूप को धारण करके आई हैं और वो भी वही हमारे अंदर भी हैं माँ भी बताती हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ मैं यहाँ नहीं हूँ वो यहाँ स्किन को पिंच करके कि केवल एक बाहरी चीज़ में मुझे सीमित मत कर दो लेकिन वो उनका रूप उनकी छवि उनका नाम इनका स्मरण और इनके स्मरण से योग का मार्ग खुलना इसके बारे में सीमा शेरविंद दोनों ने इसकी पुष्टि की है क्योंकि यदि ये, ये सत्य नहीं होता तो प्रणाम दर्शन उनके नाम का स्मरण शिरविंद की वाणी की इट इज़ अनफ टू टेक द मदर्स नेम एंड माइंड इन सब चीज़ों का कोई औचित्य समाप्त हो जाता और केवल ये कह देते शेरविंद ध्यान करो और ये विधि है ध्यान करने की लेकिन ये समग्र योग है ये तीसरी चीज़ है कि मनुष्य एक मध्यवर्ती अवस्था है तो मनुष्य के पीछे क्या है एनिमल ह्यूमैनिटी जिसको हम कह सकते हैं पशुतुल्य मनुष्य 90% परसेंट हमारा जीवन खासकर हमारा बॉडी बाय एंड लार्ज एनिमल मेक पर है थोड़े बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस है फिर अगर हम खासकर निम्न प्राण और शरीर को देखें तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली एनिमल मेक पर चलता है लेकिन चूंकि माइंड आ गया है तो और भी वर्स हो जाता है जिसको कहते हैं कि एनिमल्स सीजन में करते हैं जो भी करते हैं मनुष्य विदाउट सीजन करता है प्लेजर के लिए करता है पशुओं में ये चीज़ नहीं है क्योंकि इंस्टिंक्ट है लेकिन मनुष्य ने वो इंस्टिंक्ट तो त्याग दी है लेकिन उसकी जो पासविक टेंडेंसीज़ हैं जब वो एक निम्न मन के अधीन होती हैं तो बड़ी भयानक होती हैं लेकिन इसी मनुष्य के अंदर एक दूसरा भाग है जो उच्च प्राण है जिसके अंदर हृदय के सुंदर भाव हैं हालांकि वो पशु में भी पाए जाते हैं इमोशन्स पाए जाते हैं केयर पाई जाती है अफेक्शन पाया जाता है अटैचमेंट पाया जाता है लेकिन मनुष्य इनको और भी सुंदर शुद्ध परिष्कृत कर सकता है और इसको ऊपर उठा सकता है भक्ति के द्वारा माधुर्य के द्वारा समर्पण के द्वारा श्रद्धा के द्वारा फिर इसके ऊपर अगर हम जाएं तो मनुष्य के अंदर मन है मन के अंदर अधिकांश मनुष्यों का मन पशु की चेतना में घूमता रहता है यानी हम क्या खाएंगे पशु तो वैसे चिंता नहीं करते इसकी मनुष्य चिंता करता है और चिंतन भी करता है बच्चों का क्या होगा इसका क्या होगा उसी में उसकी चेतना घूमती रहती है और लेकिन फिर भी मन के कारण एक संभावना निकली है कि कम से कम टेन परसेंट मन का हिस्सा कहीं ना कहीं खुल जाता है तो हमारे अंदर सुंदर विचार आते हैं भगवत चेतना की ओर उठने की चाह जागती है तो हालांकि बाय एन लार्ज हम तुल्य हैं लेकिन हमारे अंदर कोई भाग है मनुष्य होने के कारण जिसके अंदर ऊपर उठने की एक संभावना आ गई है यहाँ से उठ कर के आगे बढ़कर हम लोगों को पशु मनुष्य से दिव्य मानव की ओर जाना है और इनको जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है चैत्य सत्ता यानी हमको चैत्य सत्ता को सबसे पहला काम इस योग में कोर्स uh, पढ़ना लिखना सब कुछ साथ में चलेगा लेकिन पहली चीज जो निश्चित रूप से करनी है जो सबसे सरल है सीमा कहती है इट इज द डिविनिटी विद इन द रीच ऑफ एवरी वन ऑफ अस वो है चैत्य सत्ता को प्राप्त करना तो ये uh, हम कह सकते हैं कि मुख्य आधार हैं फिर जो उन्होंने इसकी प्रोसेस है वो है योग इंटेग्रल योग पूर्ण योग जो एक कॉन्शियस प्रोसेस है इवोल्यूशन की जिसमें सीमा बताती हैं कि तीन मार्ग मुख्य हैं एक है जो इंटेलेक्ट लेकिन इंटेलेक्ट में साधारण इंटेलेक्ट नहीं ले जा सकता हायर इंटेलेक्ट लेकिन उसकी एक समस्या है कि जब इंटेलेक्ट से हम अप्रोच करते हैं तो निर्वयक्तिक सत्ता में पहले हम प्रवेश करते हैं उसके आगे बहुत कठिन होता है आगे जाना एक इम्पर्सनल ब्लिसफुल uh, पीस का एक आभास होता है तो उसके आगे मनुष्य को जाना कठिन होता है तो लेकिन हैं जो लोग हायर इंटेलेक्ट के मार्ग से जाना चाहते हैं और परफेक्टली फाइन इनको श्री अरविंद ने नाम दिया है होमो इंटेलेक्चुअलिस यानी अब देखिए प्रजातियां आएंगी अति मानव की रास्ते में ट्रांजिशनल दूसरा है जो होमोसाइकिकस जिसको माँ श्री अरविंद कहते हैं वो सरल निश्चित मार्ग है और सबसे सुंदर और ईजिएस्ट और स्मूथेस्ट मार्ग है मानी शॉर्टकट अगर कोई है तो हार्ट के थ्रू है हार्ट दैट इज विंग्स माने कहा है तो वो क्या है चैत्य के मार्ग से यानी अपने ही हृदय के अंदर गहराई में उतर कर थ्रू फेथ श्रद्धा के द्वारा डिवोशन के द्वारा सरेंडर के द्वारा हम कॉन्टैक्ट करते हैं चैत्य सत्ता को और उस मार्ग से जाते हैं और तीसरा माने कहा है जो अकल्ट का मार्ग है जिसमें देवी देवता इत्यादि के मार्ग से भी जा सकता है मनुष्य लेकिन वो बहुत कठिन और द्रूह मार्ग है जिसमें कहीं पर भी वो अकल्ट का जो रास्ता है किसी भी मेज में हम उलझ करके समाप्त हो सकते हैं ये निश्चित है कि चाहे हम ये तीनों में से कोई सा भी मार्ग लें हमें कर्म ये प्रधान योग है बिना कर्म के ये योग नहीं हो सकता और प्रत्येक कर्म को हमको कनेक्ट करना है भगवान के साथ और उसको बहुत विस्तार से शेरविंद श्री माता जी ने अपने बहुत सारे लिटरेचर में बताया हुआ है धरती के लिए उपहार वो, वो छोड़ गए एक तो ऑफकोर्स उनकी उपस्थिति अपने आप में सबसे बड़ा उपहार है क्योंकि एक बार अवतार आते हैं तो उनकी चेतना कभी संसार को छोड़ के नहीं जाती है तो ये बहुत अद्भुत है कि धरती ने उनकी छाप ले ली अब जहाँ भी उनके चरण पड़े हैं वो जगह अपने आप में अद्भुत हो गई है और एक तरह से देखें तो धरती के अंदर जो मैटर में कोई चीज़ की छाप पड़ती है तो कभी नहीं मिटती है तो अब चूंकि जहाँ उनके चरण पड़े हैं वहाँ से सारी धरती इंटरकनेक्टेड है हम लोगों इस किसके विषय में पहले एक प्रसंग में जब सीमा बताती हैं इंटरकनेक्टेडनेस सारे सृष्टि की इत्यादि तो अब हम ये कह सकते हैं कि धरती के ऊपर भागवत उपस्थिति की सीमा श्री अरविंद की छाप पड़ गई है तो ये अपने आप में सबसे बड़ा गिफ्ट है अब उससे ज़्यादा इंसान क्या अपेक्षा कर सकता है कि उनके चरण चिन्ह उनके पद चिन्ह इस संसार में पड़ गए तो संसार का कल्याण होगा ये अपने आप में सुनिश्चित है दूसरी चीज़ जो उन्होंने गिफ्ट की है वह अतिमानसिक चेतना और अब आगे वो अपना कार्य कर रही है इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे माँ की वाणी है 6 मई उन्नीस की वाणी है जहाँ माँ बताती हैं अपने नई बॉडी को देखने के बाद की है ये नई बॉडी उनकी 24 मार्च उन्नीस की है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था तो माँ बताती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह दिया है कि एक गोल्डन फोर्स एक अति एक स्वर्णिम शक्ति जो पूरी तरह से इस जड़ तत्व के ऊपर प्रेस कर रही है प्रभाव डाल रही है छाप डाल रही है दबाव डाल रही है इस जड़ तत्व के ऊपर और बहुत ही ट्रेमेंडस पावर के साथ फिर आगे बताती हैं कि एंड इज प्रेसिंग अपॉन मैटर टू टू कंपेल इट टर्न डिवाइन द डिवाइन इनवर्डली अब यहां मनुष्य तो आया ही नहीं कहीं बीच में जड़ तत्व के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो टर्न हो तो जो भी जड़ तत्व को धारण किए हैं चाहे वो पशु हो मनुष्य हो प्लांट हो या स्वयं अर्थ हो इन सबके ऊपर इसके दूरगामी परिणाम होने हैं जिसको हम अभी कल्पना नहीं कर सकते और वो भी चीज़ें जो हमको लगेंगी कि भयानक है वो भी चीज़ें क्योंकि जड़ तत्व के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है तो वो भी हमको शीघ्र सीग्र अतिशीघ्र अतिमानस जगत की ओर ले जाने में सहायक होंगी क्योंकि अब ये जड़ तत्व और भगवान के बीच में ये खेल चल रहा है केवल मनुष्य तो एक योग करते हैं लेकिन यहाँ पहली बार देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हरण जो ओरिजिनल पुराणों की स्टोरी है तो धरती के ऊपर धरती माँ के ऊपर जड़ तत्व के ऊपर अतिमानसिक चेतना का प्रभाव है उसका क्या प्रभाव वो बता रही हैं नॉट एन आउटवर्ड एस्केप बट इनवर्डली टू टर्न टू द डिवाइन अगेन माँ जड़ तत्व की बात कर रही हैं एंड सो द अपेरेंट रिजल्ट इज एज दो कैटेस्ट्रॉफी वेरी इनैविटेबल क्योंकि जड़ तत्व संभाल ही नहीं पा रहा है पर भगवान जिसको दबा रहे वो तो अल्टीमेटली उसको खुलना ही खुलना है एंड येट अलॉन्ग विद दिस परसेप्शन ऑफ इनएविटेबल एविटेबल कैटेस्ट्रॉफी देर आर एट द सेम टाइम सोल्यूशन टू द सिचुएशन Which come about that are by दोनों चीजें साथ में चल रही हैं इट इज टू एक्सट्रीम्स वे बिकमिंग मोर एक्सट्रीम दबाव पड़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है लेकिन दबाव पड़ रहा है तो उस रेजिस्टेंस के अंदर से अचानक एक प्रकाश का बिंदु खुलता है और वो पार्ट धाराशाही हो जाता है जैसे ही वो धाराशाही होता है तो एक मेरेकिल इंटरवेंशन होता है एज दो वॉट इज गुड वॉज बिकमिंग बेटर एंड वॉट इज बैड इज बिकमिंग वर्ड्स सब सीमा ने कह दिया है हमारे ऊपर है हम वर्ड्स को देखें या गुड को देखें दोनों ही है कि एक ही कर्म के दो बिंदु हैं एक ही खेल के दो साइड्स हैं इट इज लाइक दैट विथ दमिटेबल पावर दैट इज प्रेसिंग अपॉन दर्ल्ड फिर डिसाइबिल कहते हैं हाँ ऐसा महसूस तो कर रहे हैं माँ कहती हैं येस इट इज फेल्ट लाइक दैट

फिर एक जगह वो बताती हैं कि इट इज दवर ऑफ़ दी अनएक्सपेक्टेड आवर ऑफ गॉड यानी आप कैलकुलेट कर रहे हो सब कुछ अचानक चीजें ऐसे बदलती हैं कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी सो इट इज दवर ऑफ दी अनएक्सपेक्टेड फिर मां बताती हैं ये केवल कलेक्टिविटी के साथ नहीं हो रहा है एंड देन फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो इट इज द सेम थिंग तो फिर हमें क्या करना है दे हु नो हाउ टू टर्न टूवर्ड्स हु सिंसियरली कॉल द डिवाइन हु फील दैट इट इज़ द ओनली सेल्वेशन द ओनली वे आउट ये होना चाहिए कि ये श्रद्धा बटी हुई व्यवसायत्मक बुद्धि कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये नहीं काम होगा जहाँ पे बहुशाखा नाम बुद्धि कि हमको ये भी थोड़ा हम वो भी कर लें ये नहीं पूरी तरह जो सिंसियरली भगवान को कॉल करते हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड हुरली गिव देम सेल्व्स देन जेस्टर ऑफ ब्रेकिंग थ्रू मैंने कुछ टूटता है देन इन ए फ्यू मिनिट्स इट बिकम्स वंडरफुल फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग्स दथिंग स्मॉल और बिग इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इट इज ऑल द सेम द वैल्यूज चेंज इट इज दो इट इज एज दो द विजन ऑफ द वर्ल्ड चेंजेस तो ये जो इसको पूरे विस्तार में बहुत सुंदर है ये छ मई उन्नीस सौ मातृवाणी खंड 11 उसमें ये पूरा प्रसंग है गोल्डन फोर्स की बात माँ करती हैं तो ये गिफ्ट जो अति मानसिक फोर्स का जो इनोविटेबली धरती को आगे ले जा रही है फिर उन्होंने इंटेग्रल योगा के गिफ्ट दिया पूरा पथ है उसके ऊपर जितनी भी लिटरेचर है सहायता है अंदर से बाहर से सब कुछ उन्होंने गिफ्ट किया मनुष्य को फिर उनका लिटरेचर है वास्तव में अगर हम देखें तो ये ऐसी निधि है लोग जानते नहीं हैं लोगों को लगता है कि एक और स्पिरिचुअल लिटरेचर है इट इज़ नॉट एन अदर स्परिचुअल लिटरेचर मैं तो इसको इस इस लिए भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भारतीय और पाश्चात्य इन सभी प्राय फिलॉसफ़ी और दर्शन और आ, और स्पिरिचुअल लिटरेचर इन सब का अध्ययन किया बट जो शेरविंद के जो कुछ उनमें है वो शेरविंद में है लेकिन कुछ ऐसा है जो शेरविंद में है लेकिन वहाँ नहीं है रूपांतरण की बात कहीं पर भी नहीं है पृथ्वी के भविष्य की बात कहीं भी नहीं है बात होती प्रलय की और प्रलय के बाद फिर से सृष्टि की यानी एक साइक्लिक चेंज की बात होती है और अगर हम इस्लामिक और क्रिश्चियन ट्रेडिशन देखें तो वहाँ तो फिर बस लास्ट जजमेंट है उसके आगे क्या होगा कुछ नहीं है बहुत कुछ है मनुष्य की नियति मनुष्य पे रुका रहेगा आगे जाएगा कैसे जाएगा ये सब कुछ लेकिन जो वहाँ पर है ये चार युग इत्यादि वो सब हैं श्री अरविंद के लिटरेचर में उनका गुड मतलब है धरती है उसका गुड अर्थ क्या है मैटर है उसकी रचना कैसे हुई है क्यों हुई है अणु क्या है मॉलिक्यूल्स क्या है यानी जो कुछ भी हम बाहर पढ़ सकते हैं वो सब श्री अरविंद और सीमा की वाणी में है लेकिन एक डीपर सेंस में एट द सेम टाइम जो उनकी वाणी में है वो बहुत कुछ है जो हम देखते हैं कि अन्य लिटरेचर में नहीं है तो ये उनका गिफ्ट है फिर एक अद्भुत गिफ्ट है आ, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ये फ़ोटोग्राफ्स हैं फोटोग्राफ नहीं है सीमा शेर ने स्वयं कहा है कि माँ अपने आप को फोटोग्राफ्स में डालती हैं शे ने किसी कारणवश मना किया था उनकी फ़ोटोग्राफ़ लेने के लिए लेकिन बाद में करोणावश उन्नीस में उन्होंने स्वीकार किया यानी इट इज़ नॉट जस्ट कि एक फ़ोटोग्राफ ले ली एक सीमा की एक कथा है कि जब फोटोग्राफ उनकी ली जा रही थी तो एक टाइम पर आके सीमा ने कहा बस नो मोर और जो बच्ची थी उन्होंने तो <laughs> वो सब रोल हो गया था लोड हो गया था उसने क्लिक कर दी तो वो वाली फ़ोटोग्राफ जब साफ़ की गई तो कुछ भी नहीं था सपाट था तो ये फोटोग्राफ नहीं है ये उनका गिफ्ट है वो चाहती तो जड़ तत्व में बिना दिखे हमें काम कर सकती थी लेकिन उनकी एक करुणा के कारण उन्होंने ये गिफ्ट मनुष्य के लिए दिया तो सीमा शेरविंद की फोटोग्राफ्स केवल जैसे ट्रेडिशनली होता है कि बाबा जी एक मूर्ति एक नहीं ये अपने आप में योग के लिए सहायता है सीमा की वाणी है सीमा का संगीत है सीमा की पर्सनल टच है जिनको हम नाना प्रकार के उनके रिलिक्स हैं ये सब हेल्प है और सबसे बड़ी हेल्प समाधि है सीमा बताती है कि ये वो यज्ञ वेदी है जहाँ से सुप्रमेंटल फोर्स विकीन हो रही है ये वो सेंट्रल पॉइंट है तो ये सच है कि समाधि हमारे अंदर है लेकिन अंदर की हजार समाधि उस एक समाधि का कंपेयर नहीं कर सकती ये भी एक सच है अरविंद अपने एक पत्र में स्पष्ट करते हैं कहते हैं कि अब लोग हैं अंदर में दर्शन भी करते हैं सीमा का स्पर्श भी प्राप्त करते हैं श्री अरविंद एक जगह कहते हैं ए थाउजेंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नॉट कंपेयर विद वन सिंगल पर्सनल टच ऑफ द मदर अब ये भी सच है ये दोनों चीजें हैं यानी हमको दोनों सूत्र पे ये भी उन्होंने गिफ्ट्स दिए हैं और एक कारण से गिफ्ट दिए हैं अगर केवल ये होता है कि भगवान केवल अंदर हैं तो वो कहते देखो बाप सब काम खत्म हो गया अब मैंने योग दे दिया है जाओ अपने अपने घरों में जाकर के आ, अंदर जाओ लेकिन सीमा शेरविन दोनों बताते हैं कि टू कम टू दिस प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस तो आश्रम अपने आप में केवल एक भौतिक स्पेस नहीं है ये एक सूक्ष्म जगत में एग्जिस्ट करती है ये आ, इसमें दिव्य ऊर्जा है शेरविन सीमा की तपोस्थली है यदि हम उस तरह से देखें तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आश्रम एक बहुत बड़ा गिफ्ट है और विल एक अद्भुत गिफ्ट है और अनेकों अनेक अरविंद सोसाइटी के केंद्र या उड़ीसा में जो बाबा जी महाराज के तप के कारण उनके समर्पण के कारण जो अनेकों अनेकों पाठ चक्र खुले हैं इंटेग्रल स्कूल खुले हैं कहाँ कहाँ लोग देश विदेश में ऐसे शक्ति स्थल हैं इनको तो मैं एक ही नाम से कह सकता हूँ कि जैसे पुराने समय में हम देखते हैं कि देवी माँ ने अपने अंग अंग कहीं कहीं पर डाल दिए कि ये शक्ति स्थल बन गए या शिव जी ने अपने अंदर से ज्योतिर्लिंग प्रकट किए तो वैसे ही शीयरविंद सीमा के रेलिक्स और उनकी अनेकों सेंटर्स ये शक्ति स्थल हैं जहाँ उन्होंने अपने कभी देह का कुछ भाग कहीं कहीं पर उनके वस्त्र के कुछ खंड कहीं पर केवल एक व्यक्ति जो खुला हुआ है पूरी तरह तो ये सब शक्ति स्थल हैं जहाँ हम इस योग को करने में सहायता मिलती है तो ये उनका ही गिफ्ट है वरना उनके बिना इन स्थानों का कोई महत्व नहीं है और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हम सब के सामने प्रस्तुत की है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे वो स्वयं है एज ए लिविंग एग्जाम्पल उन्होंने स्वयं दिखाया कि इस योग को कैसे किया जाता है इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती किस चीज़ की नहीं होती है सीमा के जीवन को हम देखें प्रेयर्स एंड मेडिटेशन पढ़ें तो स्पष्ट है कि ये योग का तरीका क्या है हमको भगवान के साथ कैसा संबंध जोड़ना है सीमा का श्री के प्रति जब हम देखें उनका प्रेम समर्पण श्रद्धा और भगवान कैसा प्रत्युत्तर देते हैं हमें अरविंद को हम देखें तो ये बहुत अद्भुत कॉम्बिनेशन है जिसमें एक साथ भक्त भी और भगवान भी दोनों का स्वरूप क्या है और कैसे मनुष्य के साथ वो डील करते हैं हम सीमा शेरविंद में देखते हैं क्योंकि एक काम सीमा का ये भी था कि मनुष्य को बताएं कि तुम कैसे भगवान के साथ संबंध जोड़ो तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल में इस चीज़ को बताया कैसे वो सारे दिन रात कर्म करती रहती रहती थी इस क्योंकि ये काम मुझे श्री अरविंद ने सौंपा है और वही हम देखते हैं कि श्री अरविंद किस प्रकार से सब समय रातों रात वो लेटर्स पे लेटर्स लिख रहे हैं किसी को कोई फोर्स चाहिए किसी की कोई प्रार्थना है अनुकंपा करुणा कि कैसे भगवान इस सृष्टि के साथ बिना जज किए सबके साथ डील करते हैं ये भी हम उनके जीवन में देखते हैं तो इसी बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत बस क्विकली हम लोग पढ़ेंगे ये कहीं कहीं बेनेडिक्शंस ऑफ द ग्रेस ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस इसमें एक जगह सीमा लिखती हैं मेरे बच्चे तुम जानते हो मैं सर्वत्र हूँ सर्वत्र यहाँ वहाँ दूर ऊपर नीचे तुम में यहाँ तक कि निश्चेतना की डेप्थ में भी है अब ये एक सेंटेंस ही काफ़ी लिबरेट करने को कहीं भी हम जाएं चाहे जेल में भी मनुष्य भगवान के साथ है और अरविंद के जीवन में हम ये देखते हैं नरक में भी भगवान के साथ है मैं सर्वत्र हूं जब तुम मुझे सत्य निष्ठा से बुलाते हो मैं तुम्हारे पास आती हूं परंतु तुम नहीं देख पाते क्यों तुम्हें उस चेतना का विकास करना है ताकि तुम मुझे देख सको सदैव मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं ऐसा होना चाहिए तुम मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं सामने हो तो तुम्हें बहुत इंटेंसिटी से तीव्रता से अभिपसा करनी चाहिए मैं इस शरीर से सीमित नहीं हूं यह नहीं कह रही कि मैं शरीर नहीं हूं देखिए दोनों में अंतर है मैं इस शरीर से सीमित नहीं हूं यह शरीर मैं जो हूं उसका एक छोटा सा भाग है ये एक बहुत ही छोटा भाग है मेरी चेतना का यह जो तुम देखते हो यह शरीर ये मेरी चेतना का एक छोटा सा भाग है जो प्रकट हुआ है मनुष्य के साथ लोगों के साथ और संसार के साथ संबंध जोड़ने के लिए और ये ख़ासकर अंत में तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई है एज आई एम हियर क्योंकि मैं यहाँ हूँ मुझे बोलना है मुझे लोगों को वाणी से गाइड करना है उन्हें दिखाना है कि कैसे प्रेम करो और कभी कभी उनको टीज भी करना है <laughs> कभी उनको सिर के ऊपर अपनी उंगली भी मारनी है तो इसलिए ये शरीर है वरना यह शरीर कुछ भी नहीं है ये तो एक केवल एक बेस है लेकिन मैं इससे कहीं अधिक अनंत रूपणी हूँ आई एम इन्फिनिटली वास्ट और मेरी चेतना सर्वत्र है तो ये एक रिविलेशन करती हैं कई ऐसे रिविलेशन हैं और फिर वो बताती हैं कि श्री अरविंद को हम क्यों नहीं देख पाते वो कहाँ हैं क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कहते हैं कि भगवान यहाँ आए लेकिन हम तैयार नहीं थे भगवान उनको बेयर नहीं कर पाए या वातावरण तैयार नहीं था इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई जल्दी से तैयार हो जाओ <laughs> उनकी तरफ से अब देर नहीं है हमारी तरफ से देर है क्योंकि हम लोग उनको क्या टर्न कर रहे थे इन ए सिंपल मेरेकुल डुअर फिर इसी में आगे बताती हैं कि समाधि के विषय में बताती हैं बहुत अद्भुत कि मैं जब समाधि को देखती हूँ अब ये देखिए तो डबल मतलब कितनी अद्भुत हो गई होगी जब मैं समाधि को देखती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है उनकी उपस्थिति शिव अरविंद की उपस्थिति वहाँ स्पंदित हो रही है कंक्रीट ठोस रूप में सर्वत्र वो है ये समाधि फॉर्मिडेबल और उनका प्रभाव पेनिट्रेट कर रहा है और सबकी चेतना को सबकी जीवात्मा को टच कर रहा है और फिर वो क्या देखती है कि दिस कॉलम ऑफ डेजलिंग लाइट वाइब्रेटिंग विद एन एनर्जी एंड ए ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स समाधि क्या है वो एक ऐसी यज्ञ वेदी है जहां सीधा वो अद्भुत ज्योति स्तंभ वो देखती हैं जो रूपांतरित कर रहा है एक जगह माँ बताती हैं जो केवल विजिटर्स भी कैजुअली आ जाते हैं समाधि के चारों तरफ घूम के चले जाते हैं उनके अंदर भी उसका टच पड़ता है ये माता जी की वाणी है ये केवल एक भक्त के उद्गार नहीं है कई लोग सोच सकते हैं कि ये एक रिलीजियस थाट है ये माँ की वाणी में है डायरेक्ट तो ये कोई केवल एक भाव नहीं है और इसी चीज़ को आ, और सीमा बताती हैं कि वहाँ पे वो अपनी डिवाइन बॉडी में है दिव्य देह में है स्वयं दिव्य बनकर हैं जो पूरी मनुष्यता को मार्गदर्शन कर रहे हैं अब ये तो तब जब सीमा भी देह में थी तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अब समाधि का क्या महत्व है तो कहती हैं कि कैसे हम पाएं तो इसके बारे में पूरे योग की उन्होंने साधना बताई है और इसी श्रृंखला में अंत में एक दो अनुभव इस समाधि के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेज निरो के हैं चंपक लाल जी का है जब सब कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो कैसे समाधि के अंदर से वो महायज्ञ वेदी से लपटें उठती हैं और ऊपर सीमा शि शी अरविंद हैं और बड़े सुंदर सुंदर उनके विजन्स ऑफ चंपक लाल में यदि कोई देखना चाहे मातृ मंदिर में क्या है उसके बारे में फिर हैदराबाद में जो और वो दर्शन है वहाँ पे क्या है जगह जगह चंपक लाल जी जो उनके डायरेक्ट यदि कोई थे जिनकी दिव्य दृष्टि ऐसी खुली हुई थी तो चंपक लाल जी थे तो लोग उसमें पढ़ सकते हैं एक मैसेज है जो 17 नवंबर 1974 को अमल किरण जी की पत्नी सेहरा उनका है और वो खड़ी है लाइन में माता जी के रूम दर्शन के लिए तो उनको ये वाणी सुनाई देती है डो नॉट लुक फॉर मी ओनली इन माई रूम केवल मेरे कक्ष में मुझे मत ढूंढो मैंने स्वयं को मानव देह से मुक्त कर लिया है अब मैं सर्वत्र हूं आई एम नाउ एवरीवेयर उसी प्रकार से वो एक बार बैठी हुई हैं तो सीमा को देखती हैं और माँ डिप्रेस्ड हैं वो थोड़ी कि मैं अब आप केवल आपको स्वप्न में देख जा देख सकती हूँ। फिर माँ आती हैं और उनको शेरविंद के रूम में ले जाती हैं और कहती हैं फिर तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल के देख सकती हो मुझे जब तुम देखना चाहो मैं सदैव हूं तुम्हारे पास लोग ये क्यों सोचते हैं कि, उन कि मुझे केवल स्वप्न में देख सकते हैं तो तो वो कहती है माँ मैं एक साधारण व्यक्ति हूं <laughs> मैं कैसे देखू आपको आपको मेरी आंखों को खोलना होगा तो मां हंसी और उनके बाएं कंधे पर टैप करते हुए कहा ठीक है थोड़ा धैर्य रखो देखोगे तुम तो वहां भी अंत में हम लोग समाप्त करेंगे एक चंपक जी का विजन और एक नलनीदा का चंपक जी का विजन है 13 जुलाई उन्नीस यानी 1984 एट्टी जुलाई और वो देखते हैं कि वो सीमा के साथ हैं बहुत सुंदर बहुत ही अद्भुत बहुत ही uh, स्वर्गीय और भविष्य का कोई स्थान है जहां पर वो कहते हैं कि मैं प्लेस कह रहा हूं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है इनएक्सप्रेसिबल मार्वेलस लाइट्स वेर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट सीम्ड दैट वी वेर इन ए गोल्डन लाइट दिस गोल्डन लाइट वॉज ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट रेडियंस दैन एनी ऑन अर्थ ई कुील इट्स टच ऑन माई बॉडी यानी वो एक कंक्रीट सुपरामेंटल वर्ल्ड नहीं तो आप बॉडी के ऊपर टच नहीं महसूस कर सकते हो तो ये वही जगत है सुपरामेंटल वर्ल्ड जो धरती के पास ले आए हैं शियरविंद सीमा हम लोग को तैयार करने के लिए शियरविंद भी वहां पर थे अपनी स्वर्णिम ट्रांसपेरेंट इन ए गोल्डेन ट्रांसपेरेंट ल्यूमिनस रेडिएटिंग एन ऑल टुगेदर न्यू बॉडी एकदम नवीन देह में जो स्वर्णिम थी जो पारदर्शी थी जो प्रकाश में थी और चारों तरफ से प्रकाश विकीन हो रहा था और वहाँ पर कब कई लोग आके प्रणाम कर रहे थे शेयरबिंद को वो कहाँ से आए कहाँ जा रहे थे ये उन्होंने नहीं जान पाए उसकी कल्पना नहीं कर सकते वो आते थे प्रणाम करते थे और चले जाते थे सब अपने अलग अलग ढंग से प्रणाम कर रहे थे कोई सिंपल प्रणाम कर रहे थे कोई साष्टांग कर रहे थे इत्यादि इत्यादि वो देखते हैं कोई अपने हाथ जोड़ करके खड़े थे इसी प्रकार से देखिए समाधि के आसपास लोग खड़े होते हैं कोई बाहरी नियम नहीं है लेकिन प्रणाम का एक सेंस है कि मैं आपके प्रति नमन करता हूं उनकी वो कुछ बातें भी कभी कभी कर रहे थे फिर वो और ऊपर उठते चले गए रीचिंग ए ग्रेट हाइट जहां एक बहुत ब्राइट रेडियंट गोल्डन एंड वास्ट सन वॉज व्यूड ओवर स्प्रेडिंग द होल ऑफ स्पेस अब चंपक लाल जी उस भूमि पर चले गए ये भी थोड़ा दूर था और फिर भी वो सूर्य मानो एक ही जैसा था आई एक्सपीरियंसड इंटेंस हीट एंड फेल्ट एज इफ माई बॉडी वुड भी इमीजिएटली बॉर्न टू एश अगेन इस ये इस विजन में वो शरीर पर उसका ताप महसूस करते हैं अगेन वो सुपरामेंटल रेडियंस है जो वर्ल्ड जो शरीर के पास है ये वो नहीं है जो ओरिजिनल सुप्रामेंटल वो जो जो सीमा शेरविंद ने भूमि के पास में जिसकी माँ बताती है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू मैट मेटीरियल वर्ल्ड और सटल फिजिकल और मैटर के बीच में एक भूमि है और वो इतना इंटेंस है कि मनुष्य उसका ताप अभी नहीं सहन कर सकता है बट वेन द मदर सीजिंग माई हैंड डिक्लेयर्ड चंपक लाल नाउ यू सिट हियर चंपक लाल जी चंपक लाल यहाँ बैठ जाओ और अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखती है तत्क्षण मुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ साथ ही मेरा पूरा शरीर एक कूलनेस को अनुभव करने लगा नहीं तो उसका ताप बहुत भयानक था सीमा उस ताप को रेगुलेट कर देती है हमारे लिए इसीलिए सीमा के थ्रू टर्न करना शेयरविंद इसकी बात करते हैं जो लोग अपने आप अंदर में मैं सुपर माइंड को प्राप्त करूंगा वो नहीं जानते कि अगर वो उसका टच आ जाएगा तो दे विल गो मैड तो ये और सबसे बड़ी मैडनेस है अहंकार कि मैं हूँ इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं है तो सीमा उसको हमें उतना देती हैं वितरित करती हैं जितने के लिए हम तैयार हैं और जितने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए हमको तैयार करती हैं फिर एक सॉफ्ट टच से मेरी आँखें खुली और मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी मैंने आनंद 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 एक स्वर्गीय अद्भुत आनंद का अनुभव किया मैंने अपने सामने एक अद्भुत एक ऑगस्ट सन को देखा जो पहले दूर थाप करीब आ गया था मेरे हाथों को पकड़कर मां मुझे सीधा उस सूर्य के भीतर ले जाती हैं, जिसके अंदर से बहुत अद्भुत ठंडक आ रही थी देखिए ये सीमा के कारण ही ये संभव है रिटेनिंग माई हैंड इन अ ग्रिप द मदर मी स्ट्रेट टू श्योर बिंदो क्योंकि वे ही है जो इस योग में मनुष्य को शियर बिंद तक ले जा सकती हैं। तो चंपकलाल जी का हाथ पकड़ती हैं पहले कूलनेस देती हैं फिर सूर्य के अंदर ले जाती हैं सूर्य के द्वार से वो उस नए जगत में ले जाती हैं जो तैयार है श्री अरविंद के पास ले जाती हैं ये पूरा योग की प्रोसेस है बिना उनके ये संभव नहीं है श्री अरविंद की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है बड़े प्रेम से पड़ती है और उनकी मधुर वाणी जिससे मैं फेमिलियर हूँ अगेन ये एक भौतिक जगत के करीब का अनुभव है फेमिलियर वॉइस वो बता रहे हैं इसीलिए उनके बहुत सारे हैं चंपक चम, लाल के विजन्स लेकिन यह मैंने चुना क्योंकि वो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड के बहुत करीब है फेमिलियर समण चंपक लाल और अगले ही क्षण मैंने अपना सिर स्पॉन्टेनियसली उनकी गोदी में रख दिया ऐसा ही वो करते थे श्री अरविंद श्रीमा के साथ कई लोग जब समाधि पर अपना सिर झुकाते हैं लोगों को लगता है कि ये बाहर की कोई प्रोसेस नहीं है मैं जानता हूं कई लोग उसको मां अरविंद की गोद ये समझ करके सिर झुकाते हैं वो उनकी गोदी में सिर रखते हैं फिर मैंने देखा वहीं पर श्रीमा थी उन्होंने सिर रखा था अरविंद के ऊपर लेकिन वो देखते हैं कि यहां तो श्री है कुछ क्षणों के बाद उन्होंने फिर से देखा आट दर्शन ऑफ अरविंदो मैंने फिर अरविंद को देखा वंडर स्ट्रक आई टू डी मोबिलाईज दर्शन ऑफ ए टू इन वन बॉडी लेफ्ट मी वो अद्भुत रहस्य उन्होंने देखा कि वे दोनों एक ही हैं कभी इस रूप में कभी उस रूप में डिपेंडिंग ऑन द, और चंपकलाल जी थे जो दोनों की सेवा में थे किसी को ये अद्भुत सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है सीमा ने उनके बारे में लिखा कि दुर्गा लायन तो आए ही थे सेवा करने और कभी शियरविंद कभी सीमा और फिर वो दोनों को एक ही उसमें देखते हैं इट वॉज ए ट्रांसेंडेंटल दर्शन अद्भुत आई हैव हैव द द वर्ड वर्ड बॉडी बॉडी एज आई नो नॉट लाइक दे हैड बीन इन देयर फिजिकल फॉर्म इट वॉज ए रेडियंट लस्ट्रस ट्रांसलूसेंट एंड इनडिस्क्राइबेबल फॉर्म वॉट इज सुपर्नल सुपर नेचुरल दर्शन उन्नीस सौ चौरासी में उन्होंने ये दर्शन किया और भी ऐसे उनके अनेकों इस प्रकार के दर्शन हैं और भी कई साधकों के ऐसे दर्शन हैं सुप्रमेंटल बॉडी में उनके दर्शन हैं स्वर्णिम देह में दर्शन हैं तो वास्तव में ये लीला समाप्त नहीं हुई ये प्रारंभ हुई है ये तो भविष्य की ओर जाने वाला योग है शीयरविंद श्री सीमा ने हम लोगों को एक डिवाइन प्रोजेक्ट में एंगेज किया हुआ है हमको ऐसे देखना चाहिए और यदि हजार वर्ष लगेंगे तो क्या है हज़ार वर्ष उनकी सेवा का आनंद है भक्ति का आनंद है झट से रूपांतरण हो जाए ये तो प्रोजेक्ट है लंबा प्रोजेक्ट इसमें उन्होंने पिक एंड चूज उनको चुना है हमको ये प्रसन्नता होनी चाहिए कृतज्ञता होनी चाहिए कि अरे आपने इसके लिए हम हमको चुन लिया वरना संसार में हम वही भटकते या फिर निर्वाण का गुणगान करते या इस संसार में हम विषपान करते ये सोच करके कि ये पी रहे तो ये उन्होंने एक ऐसा समन्वयात्मक योग धरती पर प्रकट किया और उसके लिए कॉल भेजी है इस योग में बिना कॉल के कोई मुड़ नहीं सकता इसलिए इसमें प्रचार प्रसार का कोई वो नहीं है कॉल कॉल क्या है अंदर में फील होगा कि हाँ यही है मेरे लिए ये कॉल कोई बाहर से पत्र नहीं आएगा कि पौंडिचेरी से एक पत्र आ गया कि चलो अब तुम आ जाओ कोई नहीं आएगा लेकिन यह अंदर व्यक्ति को महसूस होगा कि हां मैं इस योग में मेरी एक अभिप्सा है मैं यही करना चाहता हूं यही करने योग्य है और वही इस योग की कॉल है तो ये अद्भुत दर्शन तो हमें फिर क्या करना है इसकी कुंजी हमको नलनीदा दे रहे हैं और नलनीदा सीमा के अगेन उन्नीस के बाद एज आई सेड महासमाधि दिवस मैं नहीं यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया मेरे लिए वो महारूपांतरण का दिवस है तो उसके कुछ वर्षों बाद नलनीदा एक विज़न देखते हैं उसमें डेट नहीं लिखी है जहाँ तक मुझे मालूम है लेकिन शायद ये छिहत्तर या ऐसे कुछ है पर जो भी हो सीमा उनके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं द मदर सेज ये नलनीदा के कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम सिक्स में है ए विजन टाइटल से, जस्ट सी लुक एट मी देखो केवल देखो मेरी ओर देखो आई एम हियर कम बैक इन माई न्यू बॉडी मैं अपनी नवीन देह में आ गई हूं डिवाइन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ग्लोरियस दिव्य रूपांतरित और ज्योतिर्मय देह में मैं आ गई हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो कह रही हैं कि ट्रांसफॉर्म बॉडी एंड आई एम द सेम मदर स्टिल ह्यूमन वही मां जिससे तुम कनेक्ट करते थे छोटी छोटी चीज के लिए मेरे पास आते थे या बड़े बड़े योग की कठिनाइयों के लिए आते थे वही माँ हूं जिसके पास तुम कभी प्रस्पेरिटी के दिन की माँ हमें तेल चाहिए साबुत चाहिए मंजन चाहिए या कठिनाई में रोग में डेंजर में खतरे में माँ आपकी सहायता चाहिए आर्थ की भाव से या सीमा योग के पथ पर आप हमें ले चलो वही माँ हूँ डो नॉट वरी निश्चिंत रहो चिंता मत करो डो नॉट बी कंसर्न अबाउट योर ओन सेल्फ योर प्रोग्रेस एंड रियलाइजेशन मेरी प्रगति कैसे होगी ये कैसे होगा वो कैसे होगा मेरी मैं कैसे सिद्धि को प्राप्त करूँगा मेरे क्या अनुभव होंगे माँ कहती हैं इसके बारे में चिंता मत करो क्यों क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है नॉट अबाउट अदर्स वो भी उनकी जिम्मेदारी है मेरे परिवार के लोग मेरे ये लोग मेरे वो लोग मेरे पास के पड़ोसी लोग मेरे राष्ट्र के लोग मेरे स्वजन मेरे विश्व के बंधु ये जिसने विश्व बनाया थोड़ी उनको भी ये भगवान की समस्या ये संसार मनुष्य की समस्या कभी थी ही नहीं ये भगवान की समस्या है और इसका समाधान भी भगवान ही खोजेंगे और खोज लिया है और अब वो लागू हो रहा है हमारा क्या काम है उन्होंने जो समाधान खोजा है उसमें सहयोग देना इतना ही हमारा काम है हम सहयोग नहीं देंगे तो भी वो समाधान वो करा के रहेंगे मनमानी करते हैं बहुत मनमाने हैं भगवान लेकिन यदि हम सहयोग देंगे तो हम उस आनंद के भागीदार कब बनेंगे श्री कृष्ण ने बता दिया था अर्जुन को देख मैंने डिसाइड कर लिया है ये सब समाप्त होने वाले हैं अब तू बैठेगा रथ पे बाण चलाएगा कि मैं किसी और को उठाऊ तू डिसाइड कर ले बस इतना निर्णय हमको करना है कि हम ये सहयोग देंगे या नहीं सीमा बताती हैं द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस बट इज इट इज लेफ्ट टू मैन क्या छोड़ा है फिर हम लोगों के ऊपर टू डिसाइड क्या वेदर द चेंज विल कम थ्रू कोलेबोरेशन वेदर they विल कोलेबोरेट विद द चेंज और इट विल बी थ्रस्ट अपॉन देम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सरकमस्टांसेस यही बस चुनाव करना है चेंज तो आएगा ही आएगा इसका बीड़ा भगवान ने उठाया हुआ है और कौन सा चेंज पहले आना है हम बाहर से चेंज चाहते हैं गवर्नमेंट बदल जाए ये सिस्टम बदल जाए चेतना का चेंज ये प्रथम चेंज है फिर उसके नेचुरल सेंस से वो बाहर चेंज आना चाहिए चेतना नहीं बदली आपने बाहर सिस्टम्स बदल दिए तो इट विल बी मीनिंगलेस बहुत बार ऐसे हुआ है इसलिए द फ्यूचर ऑफ द अर्थ पृथ्वी का भविष्य किस पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स के ऊपर सिस्टम्स के ऊपर इस पर नहीं इट डिपेंड्स चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना के रूपांतरण पर और ये रूपांतरण होकर रहेगा लेकिन मनुष्य के ऊपर अब ये निर्भर करता है कि वो इस रूपांतरण में सहयोग देगा या इस रूपांतरण के लिए सारे जो वातावरण है सर्कमस्टेंसेज जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार की बना दी जाएंगी कि वो कंपेल होगा इस रूपांतरण के लिए हाँ कहने के लिए यानी या तो हम खुशी खुशी हां बोल दें, नहीं तो भगवान हमारी गर्दन पकड़ करके हमसे हां बुलवाएंगे आई एम हियर मैं यहां हूं देखो मेरी ओर लुकेट मी गेज इन टू मी मेरी आंखों में खो जाओ एंटर इंटू मी खोल पूरी तरह मेरे अंदर समा जाओ मर्ज इंटू माई बींग मेरे साथ एक हो जाओ मानो माघ बाहें खोल करके पुकार रही हैं. लूज योर सेल्फ इंटू माई लव मेरे प्रेम में अपने आप को खो दो विद योर लव कैसे खोगे अपने प्रेम के साथ भक्ति के द्वारा तुम अपने आप को मेरे अंदर खो डालो यू विल सी ऑल प्रॉब्लम सॉल्व अहम तो आ सर्व पापे भ्यो मोक्षी श्यामी मा सुचा योग क्षेम वहा में हम और ये अनुभव है उन सब का जो इस तरह से कि तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी सब कुछ हो जाएगा एवरीथिंग डन फॉरगेट ऑल एल्स सब और भूल जाओ फॉरगेट द वर्ल्ड संसार को भूल जाओ रिमेंबर मी अलोन गीता की पंक्तियां याद आ रही हैं सर्वधर्मा परित्यज्या माकम शरणम रजा अहम पेभ्यो मोक्षिष्यामी माँ सुचा फॉर गेट ऑल एल्स फॉर गेट द वर्ल्ड रिमेंबर मी एलोन बी वन विद मी विथ माई लव इसी को हम एक बार पूरा पढ़ के फिर ये प्रस्तुति जो सीमा की कृपा से ही संभव हुई इसका ये एक अंतिम यज्ञ का ये अंतिम हवी है द मदर सेज जस्ट सी लुक एट मी I am here, come back in my new body, divine, transformed, and glorious. And I am the same mother, still human. Do not worry, do not be concerned about your own self, your progress and realization, nor about others. I am here. Look at me. Gaze into me. Enter into me wholly. Merge into my being. Lose yourself into my love with your love. You will see all problems solved, everything done. Forget all else. Forget the world. Remember me alone. Be one with me, with my love.